शिक्षा को समर्पित एजुकेशन इंडिया संस्था द्वारा 3 फरवरी को होटल हाइव जीटी रोड पानीपत में प्रथम हरियाणा सीबीएसई स्कूल लीडरशिप फनल का आयोजन किया जाएगा। समारोह में सीबीएसई से संबंधित सभी नए नियमों तथा मान्यता प्राप्त करने के विषय पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ सीबीएसई परीक्षाओं के नियम पर तथा नेशनल फ्रेमवर्क 2016 इन सभी विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। एजुकेशन इंडिया संस्था के हरियाणा राज्य निदेशक सुनैना शर्मा ने बताया कि यह लीडरशिप फनल शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। ये एक एजुकेशन इंडिया और IUF यूनाइटेड टीचर्स इंटरनेशनल फर्टिनिटी कॉन्फ्रेंस है हमारी, जिसमें 100 से ज्यादा प्रिंसिपल्स आ रहे हैं ऑल ओवर हरियाणा से और पंजाब से। यहाँ प्रिंसिपल्स को पोस्ट एफिलेशन बायलॉज, प्री एफिलेशन बायलॉज, नया करिकुलम फ्रेमवर्क क्या आया है, एग्जामिनेशन बायलॉज क्या है, क्या क्या चेंजेस आए हैं एफिलेशन लेने के लिए, हमें किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है, एफिलेशन के बाद हमें किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है, इस सभी के बारे में अवेयर किया जाएगा। क्योंकि आजकल सीबीएसई ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं और सभी, जिसमें हम भी आते हैं, हम सभी घबराए हुए हैं कि ये चेंजेस क्या है। तो हमने सीबीएसई से रिसोर्स पर्सन तमिलनाडु से हैं, बहुत दूर दूर से रिसोर्स पर्सन बुलाए हुए हैं, जो यहाँ आ करके हम सबको इसके ऊपर बताएंगे कि हमारे ये प्रोग्राम में क्या है और क्या चेंजेस आए हैं, हम क्या उनको बताना चाहते हैं। जो चेंजेस आए हैं, पहले बिल्डिंग के हिसाब से एफिलेशन मिला करती थी, अब एजुकेशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है सीबीएसई ने रखा है एफिलेशन को, उसके बारे में वो क्या स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है उसके बारे में बताया जाएगा ब्रीफली। जो भी क्वेश्चन होंगे, डाउट्स होंगे, वो क्लियर किए जाएंगे टाइम टू टाइम, जो भी जैसे भी होगा। और कल भी और उसके बाद भी आने वाले दिन में भी अगर वो संपर्क करते हैं तो उनको फ्रीक्वेंटली बताया जाएगा, सारा कुछ क्लियर किया जाएगा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। इसकी क्या जरूरत पड़ी सर, क्या जरूरत पड़ गई? अवेयरनेस नहीं है प्रिंसिपल्स और डायरेक्टर और ऑनर्स के बीच में, जो नए बायलॉज आए हैं कि भाई क्या मांगती है सीबीएसई। सीबीएसई बिल्डिंग नहीं देखती, सीबीएसई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन देखती है। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन के हिसाब से ही हमने ये प्रोग्राम रखा है, उसको बताने के लिए कि हम कहाँ पर खड़े हैं इस समय और हमें क्या करना चाहिए, क्या चेंजेस हैं। नमस्कार जी, मैं पवन पवाना आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हाइव होटल पानीपत में कल हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल से लगभग 100 से ज्यादा प्रिंसिपल, सीबीएसई स्कूल और डायरेक्टर्स पहुंचने वाले हैं, जिसमें लॉज पे बात होगी, एफिलिएशन पे बात होगी, इसके साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजी के साथ 21st century में किस प्रकार की एजुकेशन हम आगे बढ़ा सकते हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार उनके साथ साथ कैसे दे सकते हैं, इस पे पूरा वन डे का ये वर्कशॉप रहेगा। और जिसमें तमिलनाडु से, कर्नाटक से, दिल्ली से, लगभग हर क्षेत्र से देश के हमारे यहाँ स्पीकर आ रहे हैं, जो सीबीएसई से लगातार पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल का अनुभव लेकर के हमें बताएंगे और न्यू टेक्निक्स के बारे में भी यहाँ डिस्कशन होगा। तो एक बहुत अच्छा ये ऐतिहासिक पहला हरियाणा के लिए स्पेशली प्रथम, जिसे मैं कहूंगा फर्स्ट लीडरशिप फनल होने वाला है, जिसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं और जितने भी प्रिंसिपल और डायरेक्टर्स आने वाले हैं वो भी एनर्जेटिक पर्सन हैं और टॉप लेवल पे काम करने वाले लोग हैं। फिर भी कुछ ऐसी कमियां रह जाती हैं जो समय समय पे हमें सुधारते रहने चाहिए, उसकी नॉलेज लेते रहना चाहिए, उसी के लिए ये वर्कशॉप होगा। एवरीवन, दिस इज सीमा राणा, आई एम वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल इवेंट व्हिच इज गोइंग टू हैपन टुमारो इन पानीपत, एंड आई नो इट इज गोइंग टू बी अ रिमार्केबल इवेंट दिस टाइम। दो वी आर सेइंग इट फर्स्ट हरियाणा स्टेट लेवल प्रोग्राम, बट एट नेशनल लेवल सो मेनी एमिनेंट प्रिंसिपल, रिनाउंड ऑनर्स ऑफ द स्कूल आर गोइंग टू कम ऑन दिस फनल, लीडरशिप फनल, व्हिच इज गोइंग टू इनकल्केट नॉलेज अमंग द प्रिंसिपल, एंड दिस इज वेरी चैलेंजिंग एरा फॉर ऑल ऑफ अस एंड वी हैव टू कीप अपडेटिंग आर सेल्फ, अदरवाइज व्हाट इज हैपनिंग, चिल्ड्रन दे आर इन टच विद द टेक्नोलॉजी, दे आर इन टच विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट देयर टीचर्स, देयर प्रिंसिपल्स, दे आर नॉट अवेयर अबाउट दैट, सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग हेयर एंड देयर, सो दिस इज वन ऑफ द यू नो इनिशिएटिव टू नॉक द प्रिंसिपल्स अबाउट द लेटेस्ट ट्रेंड्स, सो वी होप ऑल द बेस्ट टू एवरी वन एंड वी रिक्वेस्ट ऑल द प्रिंसिपल्स अक्रॉस हेयर नियर बाय पानीपत एंड द अदर एरिया to come and witness the program. Thank you very much.